कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि सरसों के बाजार में कैसे कारोबार आज देखा जा रहा है, सरसों सीड में मार्केट में कैसी कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड मार्केट में आज अब देखकर चल सकते हैं। आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सरसों के बाजार में जो आवक है, दैनिक जो आवक है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। अभी लेवल सरसों सीड का स्टेबल हो चुका है। भरतपुर के मार्केट में 74 रुपये तक की बाजारों में बढ़त दर्ज करी गई। बाकी जो जयपुर के बाजार हैं और जो मंडियां हैं, सरसों सीड की जो मंडियां हैं, यहां पर स्थिर कारोबार देखा जा रहा है, बाजार रुक चुका है। मार्केट में बात करते हैं कि आज क्या रेट देखे जा रहे हैं। तो वर्षा चीन में जयपुर में रेट 6950, दिल्ली में रेट 6700 है, बरवाला का रेट 6225 है, हिसार में रेट 6200 है, ग्वालियर का रेट 6400 है, मुरैना का रेट 6250 चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में इसके अलावा जयपुर में जो रेट है वो 1425 है, दिल्ली का रेट 1385 है, भरतपुर का रेट 1420 बाजारों में देखा जा रहा है। इसके अलावा जो कच्ची घानी का रेट चल रहा है सरसों तेल में, उसमें जयपुर में रेट 1435 है, कोटा का रेट 1450 है, भरतपुर का रेट 1430 चल रहा है। प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो बाजारों में प्लांटों के दाम भी स्टेबल देखे जा रहे हैं। सलोनी शमशाबाद में रेट 7650 है, सलोनी डिग्नेल में कीमतें 7650 है, सलोनी अलवर में रेट 7750 चल रहा है, सलोनी कोटा का रेट 7750 बाजारों में आप देखकर चल सकते हैं। बाजार रुका हुआ है इस वक्त। जो दैनिक आवक है उसमें भी जबरदस्त गिरावट दर्ज करी गई है। सिर्फ दैनिक आवक जो हो रही है वो सिर्फ 1.5 लाख बोरी की सरसों सीड में होती हुई नजर आ रही है। बड़ी गिरावट नजर आई है, सीमित तेजी बाजारों में देखी जाएगी। आवक कम होने की वजह से आने वाले दिनों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, बहुत ज्यादा व्यापारी इसमें गिरावट मानकर नहीं चल रहे हैं। सरसों किसानों के पास जो है वो बहुत कम है, नेफेड बिक्री भी धीमी है, सरसों बिजाई शुरू हो गई है लेकिन दिन का तापमान अधिक होने की वजह से शुरुआत में ही फसल जो है वो जल रही है, जिसका जो असर होता है वो ज्यादा से ज्यादा कीमतों पर देखा जाएगा। आवक भी बहुत कम है स्टॉक पर असर होने की वजह से, और क्योंकि अक्टूबर का जो पूरा महीना है ये त्योहारों वाला महीना है तो एक अच्छी डिमांड में लगातार सरसों बनी रहेगी, इसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो लगातार डिमांड भी बनी रहने की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। रेट काफ़ी अच्छे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ से आपको अभी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब फिलहाल आने वाले दिनों में अभी कैसे कारोबार आपको करना चाहिए, अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, इसमें आप कैसे कामकाज कर सकते हैं, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, या फिर दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।